दोस्तों आज हम एक नई वैकेंसी के साथ आए हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसी है इंडियन आयल की तरफ से जारी की गई है, ऑल इंडिया फॉर्म है, तो ये वीडियो आप इसकी मत कीजिएगा। इसी में हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में इसके बारे में। तो अकॉर्डिंग टू इनके नोटिफिकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ एडमिटेड नंबर जो है इनका PL HR ESTB AP PR 2019-2, तो ISCL की तरफ से जारी किया जाने वाला ये फॉर्म है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन की बात करें तो 31 को आया था, 31 को इनका पब्लिकेशन आ गया है ये एडवर्टाइजमेंट का। स्टार्ट डेट बात अगर स्टार्टिंग डेट बात कर लेते हैं, 4 नवंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, और जो इसकी लास्ट डेट है वो 22 नवंबर को रखी गई है। इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें अगर, तो हम 31/10/2019 को इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का इसमें काउंट की जाएगी, जैसे एज लिमिट हुई और उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हुआ, तो ये सब इसके बारे में है। तो दोस्तों जो इनकी अप्रेंटिसशिप की है इंडियन ऑयल की तरफ से जारी किया गया है, 380 पोस्ट का फॉर्म है ये। और यहाँ पे इनका लोकेशन देख लें तो हर कई स्टेट से आया है फॉर्म, तो लगभग ऑल ओवर इंडिया का फॉर्म है। तो हम पहले बात कर लेते हैं इनके जो वेस्टर्न रीजन पाइपलाइन की तरफ से जारी किया जाने वाला फॉर्म गुजरात की तरफ से है। इसमें ट्रेड मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, T&I का, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंटेंट, फाइनेंस और डाटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो इसका वो ये कई सारी पोस्ट निकली हुई हैं। अगर मैकेनिकल की बात करें तो टोटल सीट 35 है, इलेक्ट्रिकल की 18, T&I की 16, HR की 4, अकाउंटेंट की 4, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 1, और वहीं डाटा एंट्री एंट्री ऑपरेटर की 2। तो अगर हम यहाँ पर गुजरात रीजन टोटल बात कर लेते हैं, 80 पोस्ट का फॉर्म है इनका। अगर हम यहाँ राजस्थान पे देखते हैं तो राजस्थान में इनका है मैकेनिकल के लिए 14 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल के लिए 10, और T&I के लिए 6, HR के लिए 2, अकाउंटेंट के लिए 2 और DEO के लिए 1। तो यहाँ पे अगर इनकी हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पे राजस्थान के लिए, तो राजस्थान के लिए अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो 35। इसी प्रकार हम देखते हैं ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन का फॉर्म है, इसमें वेस्ट बंगाल की तरफ से, इसमें वेस्ट बंगाल के लिए है, वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट वालों के लिए। तो अगर वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट की टोटल बात करें वैकेंसी की, तो उसमें 39 पोस्ट का ये इन वेस्ट बंगाल की तरफ से जारी किया गया है। बाकी आपको ट्रेड वाइज यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, HR, अकाउंटेंट सबका ये वैकेंसी दिख रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम इनकी और बात करते हैं बिहार की तरफ से, बिहार की तरफ से टोटल जो इनकी तरफ से जारी किया गया है पोस्ट, वो 26 पोस्ट का फॉर्म है। मैकेनिकल के लिए 7 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल के लिए 7, T&I के लिए 7, HR के लिए 1, अकाउंटेंट फाइनेंस के लिए 2 और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 2। अगर हम असम की बात कर लेते हैं तो असम में इनकी जो टोटल पोस्ट निकली हुई है 23 पोस्ट का फॉर्म है। ऐसे कैटेगरी वाइज इनका भी फॉर्म है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के लिए टोटल 12 पोस्ट का फॉर्म है। और जो अगला इनका पाइपलाइन रीजन का आता है, साउथ ईस्ट रीजन पाइपलाइन है, जो कि उड़ीसा के लिए है। उड़ीसा के लिए अगर हम टोटल बात कर लेते हैं तो हम मैकेनिकल के लिए 9, इलेक्ट्रिकल के लिए 9, T&I के लिए 7, HR के लिए 6, अकाउंटेंट फाइनेंस के लिए 4 और यहाँ डाटा एंट्री के लिए 2। तो इनका ये अलग अलग रीजन से जो है इनका जो जारी किया गया है। अब अगली यहाँ पे अगले अगर देखें हैं छत्तीसगढ़ के लिए जो है टोटल पोस्ट 8 है, झारखंड के लिए 3 है। अगली पाइपलाइन आती है नॉर्थ रीजन पाइपलाइन, हरियाणा के लिए 36 पोस्ट है, और उसके बाद पंजाब के लिए 17, दिल्ली के लिए 16। इस प्रकार उसी रीजन में जो है उत्तर प्रदेश के लिए 18 पोस्ट की फॉर्म निकली गई है, और यहाँ पर उत्तराखंड के लिए भी फॉर्म उसी रीजन में आया हुआ है। अगर हम यहाँ उत्तराखंड का टोटल देखते हैं 3 पोस्ट है। अब अगला रीजन जो आता है साउथ रीजन पाइपलाइन, उसके लिए अगर तमिलनाडु में 19 पोस्ट है, कर्नाटक के लिए वही यहाँ पे इन्होंने 3 पोस्ट जारी किया गया है, आंध्र प्रदेश के लिए 3 पोस्ट, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं। दोस्तों अगर हम इनकी टोटल वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं तो 380 पोस्ट का फॉर्म है। इसमें ST वालों के लिए 6 ST SC वालों के लिए 46, ST वालों के लिए 27, यहाँ पे OBC वालों के लिए 77, EWC वालों के लिए 77 और जनरल कैंडिडेट वालों के लिए 165, तो टोटल 380 पोस्ट का फॉर्म है। अगर हम इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं जो अगला इनका इसमें आता है नोटिफिकेशन में, तो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर देखिए रखी गई है। जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए हैं उनके 3 ईयर का ITI होना चाहिए मिनिमम, या तो डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग या तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। अगली जो इनकी हेड पोस्ट टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल का, इसमें डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्रेड में या तो इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में।
यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो उसके लिए जो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे इन्होंने मांगा है या तो ITI होना चाहिए या तो डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, EC में या तो ETE में, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या तो इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में, या तो इंस्ट्रूमेंट्स, तो इसी किसी ट्रेड में आपका अगर है तो आप ये इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अगर इनके नोटिफिकेशन का और हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने देखा ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए जो इनकी एक बिल्ड क्राइटेरिया है, उसके लिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, चाहे आप BA BSc BCom या तो कोई भी बैचलर डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो के लिए इनके पोस्ट है इसके ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट की बात कर लेते हैं, तो इसमें इन्होंने मांगा है फुल टाइम बैचलर डिग्री इन कॉमर्स। अगर आप BCom की डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगली पोस्ट इनकी जो है छठवीं, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस की है, इसमें मिनिमम 12th पास मांगा गया है। अगर आगे बात कर लेते हैं इनकी जो सातवीं पोस्ट निकल के आती है, सातवीं पोस्ट में इनकी है डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट, तो उसके लिए आपको मिनिमम 12th पास होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको एडिशनल कैंडिडेट स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर में, तो आप इसके लिए इक्वल हो जाएंगे। अगर हम इनके कुछ नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इन्होंने इनके देखते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन सिलेक्शन मेथॉलिटी इन्होंने दिया है। सिलेक्शन मेथॉलिटी में रिटेन टेस्ट होगा, और जो रिटेन टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और सब क्वेश्चन होगा टोटल 100 मार्क्स का। और यहाँ इनका इसमें दिया है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। अगर हम बात कर लेते हैं कुछ इनके सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस इनका कुछ इस प्रकार है कि इसमें जैसे टेक्नीशियन के लिए आपको जैसे आप जिस ट्रे से भरना चाहते हो उसे 75 क्वेश्चन जो रहेंगे उससे रहेंगे, उस डिपार्टमेंट से। जैसे आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस का भरना चाहते हो तो इसमें डिप्लोमा लेवल के जो हैं इसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद जो 25 क्वेश्चन रहेंगे वो नॉर्मल रहेंगे, जैसे जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज, ये सब। तो ये इनका जो है एग्जामिनेशन का प्रोसेस है। आगे हम बात कर लेते हैं इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में, तो इनकी एज क्राइटेरिया है जो 18 से 24 साल रखी गई है, एज मिनिमम 18 साल रखी है, मैक्सिमम 24 साल, और एज जो काउंट की जाएगी 31/10/2019 को आपकी मैक्सिमम एज जो है इतनी होनी चाहिए 24, अगर उसके बाद अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर इन्होंने अप्रेंटिस के इनके ड्यूरेशन देख लेते हैं, तो टेक्नी अप्रेंटिस का ड्यूरेशन एक साल है, ट्रेड अप्रेंटिस का एक साल है, और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो अप्रेंटिस ड्यूरेशन है वो 15 मंथ है। इनका अगर हम बात करते हैं स्टाइपेंड के बारे में, तो जो इनका इसके तहत इंडियन आयल की तरह से जो इनका स्टाइपेंड है उसी पे आपको स्टाइपेंड सैलरी मिलेगी जो इनके जितना इनका होगा। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन की, यहाँ पे इन्होंने दिया है अपर एज वाले एससी एसटी वालों के लिए 5 साल, ओबीसी वालों के लिए 3 साल, और PWD कैंडिडेट वालों के लिए 10 साल। इनके नोटिफिकेशन देखते हैं हम और क्या है कुछ खास, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों हम इनके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें, तो जो इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन है इंडियन ऑयल पाइपलाइंस, इन पे डाटा मिल जाएगा आपको 4/11/4 नवंबर से, और या तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लास्ट डेट इनकी है जो 22 नवंबर शाम 6 बजे तक। अगर हम इनके एग्जाम डेट के बारे में बात कर लेते हैं, तो रिटेन टेस्ट इनका रखा गया है 8/12/8 दिसंबर को रखा गया है। हालांकि ये डेट टेंटेटिव है, आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन इंडियन ऑयल वाले इसी डेट पर भी एग्ज़ाम करा सकते हैं। दोस्तों इसमें जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी हमने इस वीडियो में बता दी, हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल पे कई सारे वीडियो हैं, आप अगर नहीं देखे हैं तो जाके वहाँ से देख सकते हैं। एक नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।